सो हाय फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद तो नहीं बोलूँगी कि हम लोग का मीट है, क्योंकि हम लोग ने दार्जिलिंग का ऑलरेडी एक वीडियो छोड़ा है और एक बाकी है, बट वो भी मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। बट उसके पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो शादी हुई थी, शादी के बाद की जो फोटोग्राफी होती है वो तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती ही है, साथ ही उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट वो होती है जब हमको फ़ोटो स्पेशली हाथ में मिलते हैं, मतलब लाइक एल्बम, पेन ड्राइव। सो आज हम फाइनली बंधन स्टूडियो पहुंच चुके हैं और हमारे दो साथी हैं सोजल। सो हम लोग अभी अनबॉक्स करने वाले हैं और वो हमारे रिएक्शन कैप्चर करने वाले हैं। सो पहली तो थैंक्स सोजल को, बिकॉज उसका कैमरे में शूट हो रहा है और वो इतना अच्छा गिफ्ट लेके आए हम लोग के लिए, तो हम लोग ओपन करेंगे। सो लेट्स ओपन इट। एल्बम की फर्स्ट है, चलो ओपन करते हैं, देखते हैं और क्या है। सो ओपन करो। ये लड़का ही है। जितने बार भी पूछा ना मेरे को, तुम्हारा ही शादी है ना, तुम इतना स्माइल दे रही थी, मस्त फोटो है, एकदम 3D। ये हमारा फैमिली है, फ्रेंड्स फैमिली ना, ये फ्रेंड्स फैमिली है। तो ये शादी खत्म, अब रिसेप्शन शुरू होगा। ये हमारी रिसेप्शन फोटो है, ये मेकअप चल रहे थे। ये सारे रॉ फुटेज मुझे देना। तो यहाँ पे बंगाली में कुछ लिखा भी है, तो जाने दीजिए, लेट इट बी, पढ़ने आती हूँ मुझे। ये मेरी फैमिली ग्रुप है, ये यहाँ पे हमारी मासी है एंड फैमिली है। सो फोटोज़ है, काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड मुझे तो स्पेशली काफ़ी पसंद आया, बिकॉज आपको ये एल्बम में काफ़ी तरह के जो पेजेस हैं, लाइक लैमिनेशन भी मिलेगा और फिर 3D पेजेस मिलेंगे, मैट के क्या जो फिनिशिंग है वो मिलेगा, सब मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा। और रही बात इन लोग की, जो हमारी जब शादी हो रही थी तो बिकॉज मेरे घर से ये और नहीं थे, फ़ोटोग्राफ़र हायर नहीं किया था, मेरे हस्बैंड के घर से थे, बट फिर भी उन्होंने मेरे घर पे आके कुछ क्लिक्स लेके गए थे मेरे। और फिर रिसेप्शन भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने, मतलब जो फ्रैंकनेस होता है वो बहुत ज़्यादा दिखाया है, मतलब बहुत कॉपरेट करते हैं। वैसे तो होता है थोड़ा बहुत शादी में कि नहीं हो पाता है कुछ, जो अपने हैं उनकी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक होता है, बुरा मान जाता है, बट इसके पास जितने भी लोग आया, ऐसा नहीं कि ये फ्रेंड्स है करके हमारे साथ ज़्यादा फ्रैंकनेस आया, हमने उसके घर की तरफ से ज़्यादा फ्रैंकनेस आया है, बट स्पेशली अगर अदरवाइज़ भी कोई भी बाहर से भी आके उनको बोल रहा है कि मेरा एक फ़ोटो क्लिक करके दो, तो ये करके दे रहा है, क्योंकि उनकी टीम बहुत अच्छा है और इनकी टीम ने काफ़ी फ्रैंकली होकर काम किया है। सो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा और ये एल्बम भी काफ़ी पसंद है, थोड़ा लेट आया है, बट इट्स ओके, काफ़ी मतलब लेट आए जो भी हो, बट अच्छा आना चाहिए। एंड हमारी पेन ड्राइव भी आने वाली है, पेन ड्राइव में भी इन्होंने कुछ यूनिक चीज़ दिखाई है कि वो पेन ड्राइव में हमारी फ़ोटोज़ हैं दोनों के, तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड हमें बहुत पसंद आया। तो
मैं तो रेकमेंड करूँगी कोई भी इस मतलब ये आउटडोर शूट भी लेता है, इंडोर शूट भी लेता है। अगर आपको एनी शूट जो भी है, जितने भी शूट्स आते हैं अगर आप लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएंगे, क्योंकि बिकॉज ये बहुत बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। तो मैं सारे आपके डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे कि इसकी क्या डिटेल्स है, नहीं है, कहाँ पे शॉप है, इनके नंबर क्या है, सब आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। सो प्लीज़ बुक करिए, मज़ा आएगा आपको।